नई साल है, नई सरकार है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। डबल इंजन की सरकार है, रामराज की सरकार है। और आज पहला दिन है बजट सत्र विधानसभा का, पहला दिन है विधानसभा आहूत की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पर तमाम प्रदेश के MLAs जो नवनिर्वाचित MLAs हैं और मंत्री हैं पहुँचे हैं विधानसभा में। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि जैसे ही भजनलाल शर्मा की सरकार सत्ता में आई है, युवा है वो सड़कों में उतर गया है, आंदोलनरत है। बात चाहे RS मेंस की हो, बात चाहे राजीव गांधी युवा मित्र की हो, या सीफू में चल रहे धरने की हो, लेकिन हाल फिलहाल हम खड़े हैं विधानसभा के बाहर, जहां पर 2016 की अभ्यर्थी जो हैं वो नियुक्ति की मांग को लेकर यहां पे इकट्ठे हुए हैं। कोशिश इनके हाथों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ हैं, वो कोशिश की जा रही है कि तमाम जो मंत्री MLAs यहां पे विधानसभा में आएंगे उनको ये दिखाएंगे और अपनी समस्या को अवगत कराते हुए नियुक्तियों की भर्ती और मांग जो है उसको बुलंद करेंगे। हाल फिलहाल मामला ये है कि ये प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पहुँचे हैं 2016 में अटकी हुई भर्तियों को लेकर। चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं, अभ्यर्थी मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, नाम बता दीजिए, आप कहाँ से पहुँचे हैं? राजगढ़ चूरू से सर। वेदपाल, किस लिए आप इकट्ठे हुए? विधानसभा सत्र आहूत किया गया है, तमाम मंत्री जो MLA यहाँ पहुँच रहे हैं, आप भारी संख्या में पहुँचे होंगे, क्यों? देखिए, प्रदेश में रीट भर्ती 2016 और 18 ऐसी भर्तियाँ रही जो नियम के विरुद्ध जा कर के भर्ती एजेंसी ने सूचियाँ बनाई, उसी रूल को संशोधित करते हुए 21-22 में इन्होंने दोगुना सूची प्रोविजनल तौर पे तैयार करके वेरिफिकेशन करवाया निदेशालय स्तर पे और फिर उनकी अपॉइंटमेंट ऑफर किए गए। लेकिन ये विडंबना 16-18 में रही कि जितने पोस्टें विज्ञापित की गई, जैसे कि विज्ञान गणित की 927 पद थे, 927 के ऊपर अस्थायी सूची आई, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तो केवल 60 लोग ही पात्र मिले। उसके बाद हम माननीय हाईकोर्ट में गए, सिंगल बेंच में, डिवीजन बेंच में, सुप्रीम कोर्ट तक। तत्कालीन पिछली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस ली, 874 पद विज्ञान गणित के और 511 अंग्रेजी के पर वेटिंग सूची तो आई लेकिन वेरिफिकेशन नहीं किया गया। जो ही वेरिफिकेशन हुआ तो 874 में से विज्ञान गणित के 494 पद वेकेंट रह गए, क्योंकि वेरिफिकेशन में वो लोग पात्र थे ही नहीं, लेकिन उनको सूची में शामिल कर लिया गया। ये बहुत बड़े इसमें लेकुना रहा, बहुत बड़ा इसमें घोटाला रहा इस भर्ती में। इसी प्रकार विज्ञान गणित के बाद अंग्रेजी के भी 200 से ज़्यादा पद वैकेंट रह गए। हमने पिछली सरकार के सामने भी परिवेदनाएं पेश की, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने फाइल को ओपन करवाया, लेकिन वो फाइल जो अधिकारी विशेष बैठे हुए थे जिन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट में भी अपनी नेगेटिव राय दी थी, डिवीजन बेंच में नेगेटिव राय दी थी और सुप्रीम कोर्ट में भी SLP वापसी नहीं होने दे रहे थे, उसी अधिकारी ने दोबारा ये बिंदु आयत कर दिया कि 16 की भर्ती के बाद 18 की आ गई, 21-22 की आ गई, इसलिए ये भर्ती ओपन नहीं हो सकती। जबकि वास्तविकता ये है कि 16 और 18 की भर्ती का एक भी पद अग्रिम भर्तियों में जोड़ा नहीं गया है। मामला विचाराधीन था, फाइल विचाराधीन थी, लेकिन आनंद फानंद में तुच्छ मानसिकता की वजह से इन बेरोजगारों का आज तक वो फाइल ओपन नहीं हो पाई है, बंद फाइल करने के बाद से। और हम प्रयासरत हैं कि हमारे बिंदु जो लेकर के आए हैं उन बिंदुओं पर वो फाइल दोबारा रीओपन हो। यदि हमारे बिंदु सही हों तो फाइल रीओपन करके हमें नियुक्ति दी जाए, हमें न्याय दिया जाए। और इसी प्रकार हमारे साथ में दूसरा डेलीगेशन जो है वो एडिशनल डिग्री इस प्रदेश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर बार नियुक्तियां दी जाती थी 10+2+3+1 के बेस पे कि मूल ग्रेजुएशन जो अभ्यर्थी कर लेता है उसके बाद यदि अन्य सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहे तो राजस्थान की यूनिवर्सिटी एक्ट 203 स्पष्ट करता है कि वो एक साल में तीनों साल का सिलेबस पढ़ेगा और वो नियुक्ति के लिए पात्र होगा। 16-18 में इनको नियुक्तियाँ दी गई। हम माननीय हाईकोर्ट में भी गए कि हमें भी नियुक्तियाँ दी जाए, कोर्ट ने रिलीफ भी दिया, लेकिन भर्ती एजेंसी ने एक अंतरिम आदेश का बहाना बना करके, 21 की रद्द हो चुकी भर्ती का बहाना बना करके हमें वेरिफिकेशन स्टेज पे जा करके रोक दिया कि आपको पेंडिंग रखेंगे। इस प्रकार 2000 पद वैकेंट रहेंगे। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, वो फैसला 2 साल में आए, 4 साल में आए, तो पोस्टें भी वैकेंट रहेंगी, हम भी घूमते रहेंगे। तो हमने मांग की है, आज जो भी सत्ता पक्ष की जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिले हैं और हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय मनोज न्यांगली जी से मिले हैं। ये फाइलें हम उनके लिए लाए हैं, उन्होंने विचार किया है कि हम आपकी बात को विधानसभा में मजबूती के साथ रखेंगे और आपका एडिशनल स्नातक डिग्री हो चाहे लंबित भर्ती 16-18 हो उसको भी हम पूर्ण कराने का यकीन करेंगे। इसके साथ ही एक और मैं रोचक प्रकरण से आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि रीट भर्ती 2016-17 संस्कृत शिक्षा विभाग की, जिसमें 75 पोस्ट अंग्रेजी के ऊपर फॉर्म आवेदन किए गए, लेकिन गलत तरीका अपनाए जाने की वजह से केवल 5 पोस्टें भरी गई। माननीय हाईकोर्ट ने एकता शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में आदेश दे रखा है कि एक तार्किक प्रक्रिया अपना करके खाली रही 75 में से 70 पोस्टें जो वैकेंट रहेगी उनको भरा जाए। 2 साल से माननीय हाईकोर्ट का फैसला टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है विभाग के, लेकिन वो 70 पोस्टें नहीं भरी गई हैं। उसके ऊपर भी हमने अपनी बात को रखा है कि लंबित भर्तियाँ पूरी की जाए, नई भर्तियाँ
बाद में करते रहना। पहले जो लंबित पड़ी हुई हैं उम्रदराज अभ्यर्थी हैं, इनकी उम्र 45 साल 55 साल होने को जा रही है, इनको नियुक्तियाँ मिले, इनके लिए भर्तियाँ अंतिम स्टेज थी, और यदि इन भर्तियों में नियुक्ति नहीं हो पाएगी तो फार्म भरने लायक ही नहीं रहेंगे। इस पीड़ा को लेकर के आज हम MLA के BJP के कम से कम 50 MLA के लेटर हमारे पास हैं, पिछली गवर्नमेंट के जो मंत्री थे टीकाराम जूली जो आजकल नेता प्रतिपक्ष हैं उनका भी ये लेटर है कि उनका भी ये पत्र है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं अपना करके गलत तरीका अपनाया गया था, उसको सुधारा जाए। लेकिन आज तक कोई सकारात्मक निर्णय सकारात्मक परिणाम हम बेरोजगारों को और इस पीड़ित लोगों को नहीं मिला है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पर जो धांधली हुई है उसके बारे में आरोप लगाते हुए साफ साफ टारगेट किया है कि अब जो भर्ती पेंडिंग चल रही है, उम्र दराज हो चुकी है, उम्र निकल रही है इनकी धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो पब्लिक है, जनता है, युवा है, अभ्यर्थी है, वो कहीं ना कहीं इस जो सरकार है उसकी नीतियों से कहीं वो दुखी है। एक हमारे साथ वकील मौजूद हैं, सर क्या नाम है, कहाँ से? हरदीप सिंह सुंदरिया, राजगढ़ चूरू से। हरदीप जी, आपके साथ ये तमाम अभ्यर्थी हैं और आप पैरवी कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है, किस प्रकार देखते हैं, कहाँ कहाँ तक हम लड़ाई लड़ी? इस पूरे मामले में एक अधिकारी ऐसा है जो बार बार सरकार को गुमराह कर रहा है, और इन अभ्यर्थियों से शुरू से ही वो 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। इस वर्तमान जो मुख्यमंत्री साहब हैं, जो राजस्थान की जो सरकार आई है, कांग्रेस सरकार में बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, भ्रष्टाचार था, RPC जैसे संस्थाओं में पेपर आउट हो रहे थे, OMR शीट बदली जा रही थी, उसी नाम पर BJP की सरकार यहाँ जीत कर आई है। तब मुख्यमंत्री महोदय से पहला निवेदन तो ये है, उस अधिकारी को तुरंत इस विभाग से हटाया जाए ताकि इन बेरोजगारों के साथ अन्याय अत्याचार ना हो। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया उसके बावजूद बार बार वो ऑब्जेक्शन लगाकर सरकार के पास भेज देता है और कभी भी विभाग की दोबारा राय ली जाए। भाई राय क्या लेनी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला आ गया, उसके बावजूद इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही। तो इस मामले में हम आए थे। दूसरे, अभी मैं वैसे बसपा पार्टी से हूँ, हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता है मनोज नांगले, अब की बार विधानसभा में जिस प्रकार से पीछे BJP सरकार मांग करती थी कि RPC संस्था जो है अपने इसको भंग किया जाए, तो उसके लिए भी हम मांग करेंगे। जैसे OMR शीट प्रकरण के अंदर जो 2 सदस्य थे, मंजू शर्मा और संगीता आर्य, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और माननीय हाईकोर्ट नहीं, माननीय अपने जो ACB कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए दोबारा फाइल को भेजा था कि पुनर् तरीके से नए तरीके से इसकी जांच हो और जो मामला है प्रत्येक उस मुलजिम तक ACB पहुंचे, उस मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ। उस मामले को भी विधानसभा में अब की बार अच्छी प्रकार से हम उठवाएंगे ताकि राज्य के बेरोजगारों के साथ अन्याय व अत्याचार न हो। दूसरा, इसी प्रकार से इनमें भी ऐसे कई अभ्यर्थी हैं, जैसे हरियाणा की बेटियां हैं, वो राजस्थान की बहू हैं, और राजस्थान से साथ लगते दूसरे स्टेट की लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा, और इस प्रकार का अन्याय व अत्याचार हो रहा है। जब उनकी शादी राजस्थान के अंदर हो गई तो आरक्षण तो यहीं का मिलना चाहिए, इसलिए उस आरक्षण के मुद्दे पर भी राजस्थान की विधानसभा में हम आवाज़ उठाएंगे ताकि जो सरकार, पिछली सरकार ने ऐसे नियम बनाए थे और जहाँ जहाँ दिक्कत आई उनको समाधान हो सके। वकील साहब, एक सवाल ये भी था कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं बाकायदा, हर एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, हर एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं टस से मस नहीं हो रहे, उनके पास सिकंदा नहीं कसा जा रहा, जैसे कि आपने बताया। अब मनोज नांगली का कहने का जिक्र किया आपने, तो क्या रोल रहने वाला है मनोज नांगली का? मनोज नांगली का अब की बार रोल ऐसा रहेगा, या तो सरकार मान जाएगी नहीं तो विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ जाएगा, इस बात की हमारी गारंटी है। आपका क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि अब आप धरने पर बैठने के उतारू हैं, लेकिन अब अगर आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तो तमाम ये अभ्यर्थी हैं क्या करने वाले हैं? अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हमारे नेता को लेकर, हमारे विधायक को लेकर विधानसभा के सामने धरने पर बैठेंगे। देखिए, हमें उम्मीद है शायद राजस्थान सरकार मान जाएगी, नई सरकार आई है, पहले खुद ये कहते थे कि कांग्रेस सरकार के अंदर इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है और इस प्रकार से बेरोजगारों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, जिस नाम से इनने वोट लिए तो इनको मान जाना चाहिए, इसलिए हम पहले ही दिन आज विधानसभा के सामने आए ताकि नेताओं को याद आ जाए जिस के नाम पर आप वोट लेकर आए हैं, वो अभ्यर्थी आज भी सामने खड़े हैं। आपने ये बात कही कि नेताओं को याद आ जाए कि जिस नाम पर आपने वोट लिए हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी बाहर खड़े हैं, तो कल परसों जैसे कल RS Men's की पोस्टपोन को लेकर फैसला आया कैबिनेट की बैठक में, उन्होंने भी बार बार यही इंडिकेट किया था, यही जताया था सरकार को कि आपने युवाओं और महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे बनाए थे विपक्ष में रहते हुए, उस मुद्दों से आपको प्रचंड जीत मिली है। 10 दिन तक उनको हार्ड कंपानी देने वाली सर्दी में रहना पड़ा, धरना देना पड़ा, तब कहीं जाकर किरणलाल मीणा ने इंटरफेयर किया, तब जाकर उनका पोस्टपोन हुआ, तो कहीं लगता है कि आपको भी धरना की नौबत आएगी। ऐसा है जी, सत्ता में आने के बाद आदमी जो है वो पावरफुल हो जाता है और लोगों की समस्याओं को भूल जाता है। ये चारों तरफ जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, हमें भी आने नहीं
दिया जा रहा था कि इकट्ठे होके कोई आदमी नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे विधायक जी ने हमको यहाँ पर बुलाया, तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये समस्या जो है, इनको ये जरूर याद दिलाते रहेंगे मनोज नांगले कि आप जिस आधार पर विधानसभा में सत्ता प्राप्त की है, लोग आने वाले समय में दोबारा विपक्ष में बिठा देंगे, इसलिए ये गलती नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। धरने की बात उन्होंने साफ साफ कह दी कि विधानसभा का जब धरना है वो कहीं ना कहीं करने वाले हैं, घेराव करने वाले हैं। आज पहला दिन है बजट सत्र का और तमाम जो मंत्री और MLAs हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं विधानसभा में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए। चलिए हमारे साथ एक महिला व्यक्ति हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम कहाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। कहाँ से पहुँचे आप? मैं निवाई टोंक से। क्यों पहुँचे आप? मैं अभी 2022 में जो भर्ती हुई है उसमें मैं पात्र हूँ, लेकिन फिर भी हमें नियुक्ति एडिशनल बी एडिशनल हूँ मैं, तो उसमें हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है, तो उसी विषय के अंतर्गत हम यहाँ आए। आप क्या करने वाले हो अभी? अभी तो हम विधायक जी से मिले हैं, यहाँ पे हमारी मांग रखी है, अब उसके बाद में वो देखो क्या करते हैं, उसके बाद में तो फिर नहीं, तो धरने पे तो बैठना है हमको। लगातार अभ्यर्थी हैं, चाहे राजीव गांधी युवा मित्र की बात कर लें, सिफू में यहाँ पे धरना चल रहा है, मेडिकल जो स्टाफ है वो भी धरने पे हैं, जहाँ भारी तादाद महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं, प्रेग्नेंट महिला वहाँ बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको भी ये उपाय करना पड़ेगा। अब कुछ उपाय नहीं रहेगा, तो लास्ट में तो हम भी अपने बच्चों को साथ में लाएंगे, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, अब एज भी होती जा रही है सर, कहाँ तक करें हम? ठीक है, दो हजार सावित्री सिक्कर मैं पिछले 8 साल से हम ही नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, 2016 की पेंडिंग है हमारे भर्ती और उसको पूरी करवाने के लिए आए हैं हम। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो अब क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे धरने पे बैठने की बात कह दी है, आपके साथ वकील भी हैं, साथ में बैठेंगे तो महिला हैं, और पिछली सरकार में जब BJP विपक्ष में थी तब महिलाओं के मुद्दों को उन्होंने जोर शोर उठाया था, मुद्दा बना के % जीत हासिल की है। उम्मीद है सरकार से क्या? आज आप सड़कों पे उतरने की कगार पे हैं, आज आंदोलन होने को तैयार हैं, वो मुद्दे वो वादे कहाँ गए? मंत्री से मिलेंगे, वो हमारी मांग जरूर मानेंगे, हमें ये उम्मीद है, उसके बाद धरने पे बैठेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो। जी सर, मेरा नाम अमरीन है, मैं छुरू से आई हूँ। क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि मैं एडिशनल दा रही हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी गई, तो मैं अपने नेता राजेंद्र राठौड़ जी से मिलने आई हूँ, तो हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको ज्वाइनिंग दिलाएंगे, और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, आगे भी देंगे। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, सुबह करीब 400 के करीब अभ्यर्थी राजेंद्र राठौड़ साहब के घर पे मिले थे उनसे, तो उन्होंने तुरंत ही शिक्षा मंत्री साहब से बात की, शिक्षा मंत्री साहब दो पैर बाद उन्होंने समय दिया है कि मैं सचिवालय के अंदर मिलूंगा, 5-7 अभ्यर्थी अपने नेता के साथ वहां पहुंचे और इस बात का हम समाधान कराएंगे, तो हमें उम्मीद है शायद शिक्षा मंत्री साहब आज इस मामले पे गंभीरता से इस मामले को लेंगे। उम्मीद बनाकर यहां पे अभ्यर्थी पहुंचे हैं सैकड़ों की संख्या में, सुबह अल सुबह यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ जो हैं वहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, तो अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की उम्मीद जो है, जो रीट एग्ज़ाम के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुँचे, उम्मीद लगा रखी है बाकायदा। लगातार जो सरकार है उससे मांग की जा रही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आपको अपनी बात रखने के लिए आए हैं, हमारी बात पर विचार किया जाए, मांग की जाए और तुरंत बहाली की जाए, नियुक्तियाँ दी जाएँ। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कहाँ तक इनकी मांग पर विचार करती है, तमाम जो नेता हैं जिन जिन से ये मुलाकात कर चुके हैं वो कहाँ तक इनका समर्थन करते हैं, उनके समर्थन पत्र से लेकर क्या सरकार मदनलाल शर्मा है जो CM बने हैं वो कहां तक इन सहमत हो पाते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।